हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम ये पग बनाना बताएंगे और मैंने ये ड्रेस की वीडियो डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक करना। विदाउट स्विंग मशीन के, बिना सिलाई मशीन के हमने ये ड्रेस बनाना बताया है आपको आसानी से, कैसे आप घर पे बना सकते हो। तो उसी का आज ये मैं पग बनाना बताऊँगी, इजी वे में कैसे आप ये पग बना सकते हो विदाउट ग्लू गन के। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ये कार्ड लिया है और ये आपको इजी वे में घर पे बड़ा मिल जाएगा। आप चाहे तो हार्ड कार्ड जो आता है वो भी ले सकते हैं, तो ये मैरिज कार्ड भी आप ले सकते हैं। तो ये मैंने 5.5 इंचेस की हमने इसकी चौड़ाई रखी है, लेंथ इसकी हमने 1 इंच 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखी है। ठीक है, और ये मैं 6 नंबर के लड्डू गोपाल के बना रही, क्योंकि मैंने ड्रेस भी 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाया था। अब ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें यहाँ पे 1/2 इंच ऐसे आना है और इधर से 1/2 इंच ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये हमें ऐसे करके शेप देना है। ठीक है, और अब इसको हमें कट कर लेना है। ठीक है, तो हमने इसको अब हम गोलाई में ऐसे कट करेंगे, क्योंकि हम पग का शेप दे रहे हैं आगे की और पीछे की तरफ, ऐसे ही शेप आना चाहिए। तो ऐसे शेप देने के बाद इसको हमें ओपन करना है, तो ये ओपन करने के बाद इस तरह का शेप आना चाहिए। अब इसका हमने ये वेलवेट का कपड़ा लिया है, और क्योंकि हमने वेलवेट की ड्रेस बनाई थी तो इसकी हमने ये देखिए जो चौड़ाई लेंथ है, तो ये लेंथ हमने इसकी ये 3/2 ली है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई तो हमने जितने हमने ये शेप में लिया है 5.5 उतना लिया है। ठीक है, अब इसको हमें ऐसे कवर करना है और कवर करके पूरा हमें कट करना है। तो सबसे पहले हम इसको पेस्ट करेंगे। तो पग हम फेविबॉन्ड से बना रहे हैं, आपको इजी आपको हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगा। अब इसमें हम पहले ये फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, तो ये ऐसे ग्लू हमने देखी फैब्रिक ग्लू है, और इसको लेंगे और यहाँ पे पहले हमें इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेना है। तो हम इसको ऐसे करके बैक में ऐसे लाएंगे और इसको पहले पेस्ट कर लेंगे, मिड में रख के पेस्ट करना है। तो इस तरह से ये पेस्ट हो जाएगा, और ये देखिए ये पूरा कवर आना चाहिए, इतना हमें इसको रखना है। अब यहाँ नीचे से हमें इसको कट करना है, तो हम इसमें जो शेप है गोलाई उसको लाने के लिए हमें इसमें कट लगाना रहेगा। तो हम थोड़ी थोड़ी दूर पे 1/4 हम ऐसे कट लगाएंगे, और ऐसे जहाँ पे हमने गोलाई ज़्यादा दी है वहाँ पे हम ज़्यादा कट लगा लेंगे। तो ऐसे करके हम ये पूरा कट लगा लेंगे, तो इससे आसानी से ये गोलाई में घूम जाएगा कपड़ा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे पहले कट कर लगा लेते हैं। अब इसको हमें ग्लू हम लेंगे, वही फेविबॉन्ड लेंगे, इससे आप आसानी से ये पेस्ट हो जाता है, थोड़ा हार्ड होता है, और ये जब लग जाएगा तो ये फिर निकलता नहीं है। आप हॉट ग्लू जो लगाते हैं उससे फिर आप वॉश करो या कुछ भी आप पेस्ट करो तो वो निकल जाता है। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। अब इसको हमें ऐसे ऐसे करके पूरे स्ट्रिप जो हमने कट की है उसको हम कवर करते हुए इसको पेस्ट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसको कट करके हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरा पेस्ट करके कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा दिख रहा है उसे हम कट करेंगे, और फिर ऊपर से हमें ये फोल्ड करना रहेगा। तो देखिए फिर से हम इसमें ग्लू लगाएंगे, और ग्लू लगाते हुए हमें इसको पेस्ट कर लेना है, ऊपर से पार्ट जो खुला है उसको हम इसमें कवर कर लेंगे। तो हम ऐसे करके देखिए इसको ग्लू लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट हमें दिख रहा है उसको पहले हम कट कर लेंगे। अब हमें ये ऐसे करके फोल्ड करना है, और फोल्ड करके हमें टाइटली इसको फोल्ड करते हुए कवर करना है, और कवर करते हुए हम ये देखिए ये ऐसे शेप आएगा, और ये टाइटली हम ऐसे करेंगे जैसे झोल ना पड़े, थोड़ा सिलवटे ना आए, तो इस हिसाब से हमें टाइटली इसको करना है। और करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ये देखिए ऐसे टाइटली करेंगे, और जो एक्स्ट्रा हमें कपड़े दिख रहा है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो हम ऐसे कट करके निकाल लेते हैं।
और ये थोड़ा देर हल्का टाइम लेता है ये, तो ऐसे करके हम ये देखिए पेस्ट हो गया है। अब इसको हमें राउंड में फोल्ड करना है, तो हमें ठाकुर जी का हमें पहले चेक कर लेना है कि किसी के ठाकुर जी का सर की गोलाई थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, साइज उतनी है लेकिन आपकी गोलाई कम या ज़्यादा हो सकती है, तो आप उस हिसाब से पहले चेक कर लीजिएगा राउंड करने के बाद। तो हम इसको ऐसे करके यहाँ पर अब पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये गोलाई आना चाहिए, तो यहाँ पे आप साइड में हम ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगा के हम इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए साइड में ऐसे लगाना है, तो इस तरह से यहाँ पे लगाते हुए हमें इसको अब दूसरा पार्ट उठाएंगे और इसको इसमें कवर कर लेंगे। तो ये जो पार्ट खुला है उसको भी हम इसमें पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये ऐसे करके हमें पेस्ट करना है और दबा के थोड़ी देर रखना है जिससे ये पूरी तरह पेस्ट हो जाए। तो ऐसे करके हम पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया है। अब ये हमने पार्ट लिया है, इसको हमें इसमें कवर करना रहेगा, तो हमें इसका सर्कल निकालना है। तो ये देखिए ऐसे रखेंगे और नीचे से हमें इसको ड्रॉ करना है, तो ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे और गोलाई में ड्रॉ करते हुए हमें इसको फिर कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हो गया है। अब इसको हमें ऐसे करके पेस्ट करना रहेगा, तो फिर हम ग्लू लेंगे और इसमें ग्लू लगाते हुए हम इसको पेस्ट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट दिखेगा उसको हमें कट करके निकाल लेना है। तो ये देखिए पैच हमने जो बनाया था, सेम पैच हमने इसे बना लिया है। तो मैंने बनाना बताया है, मैं डिस्कशन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लेना। और इसको कट करके पहले निकाल लेंगे। मैंने बिल्कुल छोटा सा लोटस भी बनाया है सेम प्रोसेस से। तो मैंने ये बनाना बताया है पैच कैसे आप बना सकते हो, तो मैं डिस्कशन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। तो अब देखिए पग और बेस तैयार हो गया है। अब कलरी बनाएंगे, तो कलरी बनाने के लिए मैंने ये पेस्ट कर लिया है, सनील का ही कपड़ा पेस्ट किया है बकरम में। और ये हमने बकरम का साइज़ हमने देखिए 1.5 इंच लिया है, और इसका पूरा हमने 2 इंच इसका सनील का कपड़ा लिया है, क्योंकि हम इसको फोल्ड भी करेंगे। और इसकी चौड़ाई हमने ये 8 इंच 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ली है। और छोटा हमने कलरी बनाई है उसके लिए हमने येलो कलर का पेस्ट किया है, उसको हमने 1 इंच इसका जो बकरम का है वो साइज लिया है, और ये 1.5 इंच इसका सनील का कपड़ा लिया है, ठीक है। और इसको हाफ जो हमने पेस्ट किया है नीचे छोड़ा है, क्योंकि हम कलरी बनाएंगे तो ये आसानी से जैसे कलरी बन जाएगी, क्योंकि हार्ड होता है, हार्ड होने के कारण वो कहते हैं फिर पेस्ट नहीं हो, जैसे कलरी नहीं बन पाती। तो अभी देखिए जो हमने ऊपर का पार्ट छोड़ा है उसको ऐसे कवर करेंगे, और कवर करके इसको हम पहले पेस्ट कर लेंगे, जैसे ये हमारा ऊपर से भी कवर हो जाए। ऐसे दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लेना है, फिर इसमें हम लेस लगाएंगे। तो देखिए हम ये ग्लू जो लिए हैं हमने फेविबॉन्ड, इसी से हम इसमें कहते हैं लेस लगाएंगे, इससे ये निकलता नहीं है, आसानी से ये हार्ड होके पेस्ट हो जाता है। तो ये देखिए हमने जर्कन की ही लेस ली है, जिससे ये और हैवी लगे जो पग हमारी बनेगी। तो इसको ऐसे करके पेस्ट कर लेंगे और पेस्ट करके एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, यही हमें छोटे भी कलरी में कम्प्लीट करना है। तो कलरी बनाने के लिए ऐसे देखिए हम फोल्ड करते जाएंगे, तो जैसे हम पंखा फोल्ड करते हैं सेम प्रोसेस है, ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए हमें इसको इस तरह से शेप देना है, ये देखिए इस तरह से शेप आएगा।
और यूँ फोल्ड करते हुए, अब यहाँ पे आप थ्रेड या तो ऐसे राउंड में घुमाते हुए कर सकते हैं या तो सुई की हेल्प से इसको पिरो सकते हैं। तो ये देखिए हम ऐसे फोल्ड पकड़ेंगे और पकड़ करके हम ये थ्रेड लेंगे, थ्रेड की हेल्प से हम यहाँ पे इसको नॉट लगाएंगे। तो ये देखिए ऐसे करके थ्रेड लेंगे मैचिंग का और यहाँ पर ऐसे यूँ फोल्ड करते हुए हमें ये डबल लेयर में ऐसे फोल्ड करना है और यूँ नॉट लगाते हुए हमें दो तीन राउंड लगा लेना है और फिर नॉट लगा लेना है। तो इस तरह से कलरी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए हमने पग में सामने ऐसे ही ये लेस लगा दी थी, आप स्टोन चेन लगा सकते हो। तो ये ऐसे लेस लगाने के बाद अब ये यहाँ पे पग अटैच करना है, तो ये बैक से अटैच करना है। तो हम ग्लू वही फेविबॉन्ड लेंगे और उसके हेल्प से हम इसमें पेस्ट करेंगे। तो ये हार्ड होने के कारण ये आसानी से पेस्ट हो जाएगा। तो हमें देखिए पेस्ट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हम ये पेस्ट कर लिया हमने। अब ये साइड में हमें ग्लू लगाना है और ये ग्लू लगाते हुए हमें यहाँ भी पेस्ट करना है। तो ये ऐसे साइड में ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाते हुए हम इसको साइड से भी पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड से हमने इसको पेस्ट कर लिया है। अब पेस्ट करने के बाद हम ये येलो वाला लेंगे, इसको साइड से हमें इधर से ऐसे करके लगाना है, जैसे ये ऐसे साइड में पेस्ट हो, एक तरफ उधर लटकेगा और एक तरफ इधर लटकेगा। तो ये देखिए हम यहाँ पर जो थ्रेड है यहीं पे हम ग्लू लेंगे और ग्लू लेते हुए हमें इसमें लगाना है और इसको फोल्ड करते लगाना है, जैसे हमारा ये जैसे इसमें पेस्ट हो जाए और थ्रेड भी नहीं दिखे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसको पेस्ट करना है और नीचे की तरफ भी हम इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे अब ग्लू लगाएंगे साइड में, तो यहाँ पर साइड में ग्लू लगाते हुए हम इसको साइड से भी अटैच कर लेंगे। तो पार्ट जैसे ये पूरा कवर हो जाएगा और जो हमारा थ्रेड भी अगर दिख रहा है तो वो भी सेफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट को इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये ऐसे मेरा कलरी लग गई है। अब हमें इसमें पैच अटैच करना है। तो ये देखिए हमने जो पैच बनाया है इसको हमें यहाँ पे ऐसे सेट करना है। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो हम ग्लू लेंगे, ग्लू की लगा करके फिर हमें इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है। तो ये हमने ऐसे इधर से पेस्ट कर लिया। अब जो लोटस लिया है उसको हम लेंगे ग्लू में लगा के और यहाँ लगाते हुए हमें ये फ्रंट में लगाना है। तो हम जहाँ खाली लग रहा है यहाँ पे इसको ऐसे रख देंगे। तो देखिए ऐसे ये कवर हो गया। तो इस तरह से ये सुंदर सा हैवी पग कम्प्लीट हो गया है। अब जो हमने पैच लगाया है ड्रेस में येलो कलर के, वो हम लेंगे और उसको हमें रेड के पास रख देना है, जैसे ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये अटैच कर लिया। अब इसकी लटकन बनाना बताएंगे। तो देखिए इस तरह से लटकन बनाने के लिए हम छोटी पहले ये वन नंबर की हमने मोतियाँ ली हैं, इनको लेंगे और इनको हमें सुई में ऐसे पिरो करके नॉट लगा लेना है। तो ये ऐसे करके थ्रेड से ऐसे निकालना है और थ्रेड से निकाल के इसको नॉट लगा लेंगे। अब वन नंबर की हमें मोती लेनी है और टू नंबर की सॉरी, और उसको ऐसे करके डाल देंगे। तो ये इस तरह से ये हमारी दो मोती पड़ गई। अब इसमें नौ हम ये छोटी मोतियाँ डालेंगे। तो ये हम इसमें डालते पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे करके हमें सब पिरो लेनी है। तो ऐसे देखिए हमने ये फोर लेयर की लटकन कंप्लीट कर लिया। अब इसको बराबर से ऐसे रखना है और घुमाते हुए हमें यहाँ पे पेस्ट करना रहेगा, जैसे हमारे जब हम प्रभु को पहनाए ठाकुर जी को, तो ये लटके, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके हमने ये बराबर से हमने रख लिया है। अब पैच लेंगे। तो देखिए पैच इसमें लगाते हुए हमें इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे इसको रखना है, इसी में रखते हुए हमें यहाँ पे थ्रेड इसी के ऊपर आना चाहिए। तो हमने ग्लू पहले लगा दिया है, अब यहाँ पे हमें इसको पेस्ट करना रहेगा। तो हम ये ग्लू लगा करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे साइड में यहाँ पे ग्लू रखेंगे और ग्लू रखते हुए हमें स्टोन के साथ जो पैच स्टोन है उसी के साथ इसको हमें पेस्ट करना रहेगा और लगा के, और फिर एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हम निकाल लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हम कट कर लेते हैं।
अब रेड वाली जो कलरी है उसमें हम थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाते हुए हमें इसमें स्टोन पेस्ट कर देना है, जिससे ये और हैवी लगने लगे। और क्योंकि प्लेन लग रही थी तो इस तरह से ये हैवी सी पग कंप्लीट हो गई है, जैसे आप देख रहे हो, बहुत प्यारी लग रही है। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये पग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा जिससे आपको ऐसी न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।